अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे। जीजे भाई परेशान ना हो, आप बता सकते हैं। ठीक है भाई, मुझे पता चल गया है। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से वीडियो को बताएं, वीडियो देखें। तो वीडियो है जी कि पाकिस्तानी क्यूट गर्ल, खूबसूरत लड़की पाकिस्तान की, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कोई, शायद मुझे लगता है वाघा बॉर्डर ही होगा। मैं लगा कोई आशिक मिलन वाले ने, शक पै रहा है। चलो अब देखते हैं ना, चलो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आओ देखते हैं कि कौन मिलता है कहाँ पे। तो फाइनली वो आ गई है, ठीक है। ये देखो, यही है वो पाकिस्तानी लड़की रिया जी, जो जिन्होंने मेरे को आईफोन गिफ्ट किया था। ओह, गिफ्ट किया ना आईफोन पाकिस्तानी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया। माशाल्लाह, वो भी सोना है क्या भाई? पर्सनालिटी या लुक का? पाकिस्तानी मतलब फ्रेंड है। तो आज मैं फाइनली दोबारा उस पाकिस्तानी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। दोस्तों यार, बस के अंदर भीड़ देखो आप लोग, है ना, इतनी भरी हुई है। मुझे इसी बस में जाना था लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ है ना। अब बताओ, अब नाम बताओ। सबरे आलम। सबरे आलम, खुश हो? सबरे क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक रुपया में क्या आता है? टॉफी से पेट भर जाता है क्या? मीठा लगता है। चलो कोई नहीं, मैं 10 रुपया देता हूँ, ठीक है? खाना खा लेना या फिर कुछ भी खा लेना जो अच्छा लगे, बट नशा मत करना, ठीक है? कोई फालतू की चीज मत करना, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखा था, ठीक है? इस वीडियो में मैं उनका जो फेस रिवील करने वाला हूँ आप सब लोगों को पता चलेगा, ठीक है? और इसके अलावा कुछ बातचीत करेंगे उनसे, जो भी वो अदर कंट्री से हमारे इंडिया में उनको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, इसके अलावा और काफी सारी हम बातें करेंगे, ठीक है? तो आप लोग एंड तक देखना, अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करना। चलिए वो आते हैं, मैं आप सभी लोगों से को मिलवाता हूँ। फाइनली वो आ गई है, ठीक है। ये देखो, वो यही है वो पाकिस्तानी लड़की रिया जी, जो जिन्होंने मेरे को आईफोन गिफ्ट किया था। हेलो मैम। हेलो रिया जी, कैसे हो आप? हाँ जी, सब बढ़िया। आप सुनाओ, कैसे हो? चलिए बैठिए आप यहाँ पे। इंडिया आई हुई है तो दोस्तों ये आ चुके हैं, ठीक है? और अभी हम जाने वाले हैं ये। हाँ जी, हेलो कर रहे हैं आपको, आपको हेलो कर रहे हैं। और आपने मुझे आईफोन गिफ्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी हम लोग दोस्तों जा रहे हैं, एक सामने दूसरा मॉल है ना, उसमें जा रहे हैं। यहाँ पे ये ऑलरेडी हम लोग अभी अंदर गए थे, घूम चुके हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं सामने एक और मॉल है, वहीं पे जा रहे हैं। और घर पे बात हुई थी आपकी मॉम डैड से? सब बढ़िया है। और जो आपने आईफोन दिया था, मैंने वीडियो बनाया था, वो डाला था। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं ये मॉल के अंदर, ठीक है? और आप लोग देख, इंडिया वाले पाकिस्तान, इंडिया वाले, कैसा लग रहा हमारा इंडिया का ये मॉल? हिंदी लिखी है, हिंदी लिखी थी। अभी ये आए दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? ये है मॉल के अंदर का नज़ारा। तो अभी हम लोग अंदर घूम रहे हैं, ठीक है, काफी मस्ती कर रहे हैं। और अभी खानी आइसक्रीम, जो कि यहाँ पे नीचे है नहीं ना, तो फोर्थ फ्लोर पे जाना पड़ेगा। फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ से देखो कैसे सारे ऐसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, बड़ा खूबसूरत मॉल है, किस शहर में बना है, देखते रहते हैं, तो उस चीज को आप इग्नोर करना। ये आप बताइएगा भाई, किस शहर में वीडियो बना रहे हैं? हम फोर्थ फ्लोर पे आ गए हैं ना, देखो घूम के यहाँ पे फोर्थ फ्लोर पे आ गए। ये फोर्थ फ्लोर है और यहाँ पे है पिज्जा हट। जय जय भाई, हमारे पूरे शहर में इस तरह का एक मॉल बनेगा। चलो पिज्जा खाने चलते हैं, ठीक है? ये है पीछे पिज्जा हट, ये पिज्जा हट है, पिज्जा हट में जाएंगे, पिज्जा खाएंगे। पिज्जा हट पीछे हट। ये इंडिया मिलने गई भाई को, वाह यार। भाई जी ने गिफ्ट किया तो मिलन भी तो जा सकती है ना भाई। आज मैंने आपको एक लिंक भी सेंड किया था, बस कर दो, ठीक है? ये देखो आप, एक भाई ने ऑफर करवाई मुझे पिज्जा हट में, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है। देखो 5:27 PM कितने में पिज्जा मिल जाएगा, मतलब अभी 27 मिनट और है, और यहीं पे ये भैया बना रहे हैं ना। कौन सा किया आपने?
मार्गरिटा फुल पिज़्ज़ा दोनों ने खाना। देखते हैं आज खा के आपके पसंद का पिज़्ज़ा कैसा होता है। और शायद उन्होंने रोजा रखा हुआ सारी दिहाड़ी। चलिए तो दोस्तों ये है इनकी पसंद का पिज़्ज़ा, है ना, ये आपकी पसंद का पिज़्ज़ा है, मैं खा के देखता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको फिनिश करते हैं पिज़्ज़े को। छोटा सा पिज़्ज़ा है। हंस रहे हो क्या बात है? तो और ज्यादा भूख लगी है क्या? हैं क्या खरीदना है आपको? कौन सा खरीदना है? इसका क्या प्राइस? 60 रुपए दे। नहीं 60 से तो ओवर है। प्राइस 3099 रुपीस। ओए हो 4000 दे। अरे 60 से तो ऑफ हो जाएगा ना, देखते हैं बाद में बोल। हमने भाई स्टाइल आना था भाई जान, बाजू लंबे है। हाँ जी इतनी आग तो बाजू फुल है। देखिए खत्म हो गई। हाँ जी लो जी, वीडियो बड़ी शॉर्ट सी थी, खत्म हो गई। मजा आ रहा सी वैसे देखा था। जब मिलते हैं दो दिल अच्छे दिल वाले तो फिर मजा आता है। तो भाई बात दरअसल ये है कि हो सकता है ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो जोड़ा है आने वाले समय में शादी करने, आने वाले समय में ये पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की दुश्मनी को खत्म करते हुए ये दोनों जी भाई कुछ ना कोई ना कोई तो हो गई। तो ये दोनों कोशिश कर रहे हैं जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो आपस में क्लैश पड़े हुए हैं, दुश्मनी है ना, इनको ये खत्म करेंगे। अब ये कैसे खत्म करेंगे ये आप बताइएगा। ये पिज़्ज़ा खा के शॉपिंग ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, कुछ उसको खिलाएंगे, कुछ खुद खाएंगे। तो फिर भाई वैसे उन्होंने प्राइस नहीं बताई यार पिज़्ज़े की। मैंने पिज़्ज़े की प्राइस भी नहीं बताई और ये भी नहीं बताया कि ये मॉल कौन सा है, कौन सी जगह पे है, शहर कौन सा है। और बाकी यार जो मॉल दिखाया ना कमाल का, यकीन मानना इतना प्यारा और इतना प्यारा माहौल, मजा आ गया देख के यार। और ये किस शहर में है इसका भी नहीं उसने बताया कुछ भी हमें, ठीक है। उसने ये बताया कि ये पाकिस्तानी लड़की है जी, और ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है जी। हम बड़े खुश हुए कि पाकिस्तानी लड़की ने एक इंडियन लड़के को आईफोन, और कौन सा आईफोन ये भी नहीं बताया, बस आईफोन गिफ्ट किया भाईजान। उसने आईफोन की लहदा वीडियो बनाई हुई है। हाँ तो भाई नहीं आईफोन की तो बनाई है, मगर वो बता सकता था ना कि आईफोन भाई आपको नहीं कहते भी किसी ने आईफोन गिफ्ट किया, कोई चीज गिफ्ट की हो। भाई मुझे जो गिफ्ट है ना कोई भी नहीं किया किसी ने नहीं किया किसी लड़की ने आज तक नहीं किए थे। मुझे बहुत कुछ गिफ्ट हुआ था तो मैंने ना रिटर्न कर दिया था सुसमेत के वैसे ही। नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता था। अच्छा अच्छा किसी आप से वापस कर देते हैं कोई, ये गलत बात है। अगर कोई आपको गिफ्ट करे फिर आप उसको वापस, एक उनकी चाहत प्यार में देख लेते थे कि कौन कितना, और वो अगर उस लायक ना और उससे अपनी औकात से बढ़ के कोई गिफ्ट करे ना तो फिर बंदे को नहीं रखना चाहिए। बंदे को बहुत बंदे के दिल ना दुखी हो जाता है कि यार उसने पता नहीं कैसे ये परचेज किया कैसे नहीं परचेज किया। और ये तो माशाल्लाह जो इंडिया घूम रही है, ठीक है ना, और उसके जो ड्रेस वगैरह है तो वो फिर आईफोन दे सकती है, वो तो गाड़ी भी लेके दे सकती है उसको भाई। वो तो फिर वो समझा करो ना आप। तो भाई तो, अगर वो वहां पे गई है तो क्या सलवार कमीज ते नहीं नहीं भाई पार्टी की पाक चली जावे भाई। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छी खासी डिसेंट फैमिली से होगी, काफी रिच फैमिली होगी उनकी, तो जिस वजह से वो मैंने एक हमारी कोर साहब भी है ना उनको दुबई के लड़के ने बोला था कि मम्मा जी आप आ जाएं, वो उसी वक्त दुबई पहुंच गई। भाई पैसे की बात है ना, पैसा बोलता है पैसा, तू पैसा पैसा कर दी है क्यों पैसे पे मर दी है, पैसा बोलता है। तो यार वीडियो बहुत अच्छी लगी है, उसने 3-4 जो मिस्टेक की हैं कि एक तो मॉल का नहीं बताया गया कौन से शहर में मॉल है, और एक आईफोन का नहीं बताया गया कौन सा आईफोन दिया है, और एक पिज़्ज़े का प्राइस नहीं बताया गया कितने का पिज़्ज़ा मिला है यहाँ पे। ये जो मिस्टेक वगैरह की है ना इसको भाई, वैसे भी ये फुल लार्ज पिज़्ज़ा नहीं था, ये मीडियम था, ये मीडियम था, 6 पीस थे ना। तो मगर वो इस पर भी कह रही थी ये सारा खा लोगे आप, वो तो मैं कह रहा था। नहीं नहीं वो कह रहा था कि ज़्यादा भूख लगी है आपको। अच्छा हाँ वो कह लड़का कह रहा था उसको, वो बस शर्मिंदा सी हो गई थी। तो वो यूट्यूबर है वो बेचारी अपने आप को इतना भाई, वो भी यूट्यूबर ही होगी, हमने कौन सा उसका चैनल देख लिया है। तो जेजे भाई बाकी एक कमेंट आया है, एक भाई ने पाकिस्तान की जो दुश्मनी है ना उसको खत्म करने में इन दोनों का किरदार बहुत मायने रखता है। शेख मलिक सानी मिर्ज़ा पार्ट 2 नहीं नहीं ये शेख मलिक सानी मिर्ज़ा का नहीं, इन दोनों का जो किरदार है ना ये बहुत मायने रखता है।
सफारती सतह पर जो ये तलकात है ना, ये कुछ रंग हो रहे, ये जो रंग खिलाएंगे ठीक है, इनका फायदा मिलेगा, फायदा। चाहे इनको ही मिले, इनको फायदा होगा इस चीज। जय जय भाई, आपको क्या फायदा होगा इस बार? हमें तो बहुत फायदा हो रहा है, हम चाहते हैं हम इस तरह इनकी ना और नई नई जो वीडियो है ना उन पे भी रिएक्ट करें आने वाले समय में। जी जी, तो जय जय भाई, नहीं मैं आपको बता रहा था, एक कमेंट आया, एक भाई ने आपको ईमेल किया कि अगर आप आना चाहते हैं तो मेरे से रابطہ करें। हां इंशाल्लाह मैं वीडियो देखूंगा, कमेंट पढ़ूंगा तो फिर पता लगेगा, तो आपको वीडियो अच्छी लगी। मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया था भाई, चलो मैंने अभी देखा नहीं भाई, मैं सामान में खरीद रहा था ना मार्केट में, मैं बिजी था। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बताइएगा कि इनका जो मेल है ये कहाँ तक पाकिस्तान को और मैं समझे शायद बॉर्डर पे मिलना चाह रहे हैं। हाँ, कैसे क्लोज करेगा, कितना क्लोज करेगा ये आप बताइएगा, तो कितनी दुश्मनी को खत्म करने में इनका अहम किरदार होगा ये भी आप बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, इंजॉय कीजिएगा इस तरह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।